और निश्चित रूप से ये इसके ऊपर आदरणीय शरद पवार साहब ही निर्णय लेंगे। सभी अलग अलग विचारधारा वाले पक्ष है और ऐसी स्थिति में क्या कितने दिनों तक सरकार रहे। अरे बाबा ये सब देखो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ ये सरकार बनी हुई है बन रही है और इसलिए राज्य के जनता के हित के लिए काम करेगी। इसलिए ये सरकार बहुत मजबूत है। 170 के ऊपर आंकड़े हमारे पास है। एक मजबूत एक स्टेबल गवर्नमेंट इस राज्य को मिलेगा और राज्य के हित में जो भी निर्णय है लेंगे। उद्या मुख्यमंत्री सोबत अजून ठरवायचं आहे। मुख्यमंत्र्यांसोबत कोणकोण शपथ घेणार आहे अजून आम्हाला ठरवायचं आहे अशी भूमिका जी आहे ती एकनाथ शिंदे यांनी या ठिकाणी मांडली आहे। रेडुका अगदी प्रफुल्ल आणि क्षणाक्षणाला तिथे नेते येत आहेत त्या सगळ्यांच्या प्रतिक्रिया तुम्ही पोहोचवताय। नेहमीपेक्षा आजचं वातावरण कसं वेगळं ते देखील सांगाल कारण सुप्रिया